भाई क्या लुक आ रहा है इसका जबरदस्त। बिल्डिंग का सेक्रेटरी बना दिया आपके भाई को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हमारा, आप सब लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल UP81 फिल्म्स पे। और गाइज क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आजकल सर्दियों में? चाय पी लो, चाय मैं आपको बना के दिखाऊंगा शाम में। देखो अगर टाइम मिला तो बना के दिखाऊंगा, आज वैसे ही बहुत काम है मेरे सर पे। कैमरा ठीक कराना है यानी कि CCTV बिल्डिंग का, और चैनल ठीक करवाना है, और गार्ड ढूंढना है भाई, इतने सारे काम है ना। व्लॉग देखते हैं कैसे बनाने जाएंगे, बाहर नहीं हुआ तो इसी को व्लॉग बनाएंगे। जिंदगी चल रही है, व्लॉग आप देखो, जो जो होता है मैं दिखाता जाता हूँ। और बाकी इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड कर रहा हूँ, जाके चेक करो, बहुत मस्त बनी है, जबरदस्त वाली। चलो आप लोगों से मिलते हैं आगे, व्लॉग देखना एंड तक, वीडियो करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है। बिल्डिंग का सेक्रेटरी बना दिया आपके भाई को जबरदस्ती मिलके इन लोगों ने, तो अब वही काम आज करा रहा हूँ। अभी कैमरा ठीक करवाया मैंने सारे, बस एक कैमरा चल नहीं रहा है, बाकी तो वो हो जाएगा। और लिफ्ट की भी सर्विसिंग वगैरह मुझे करवानी होती है, तो अभी कैमरा करवाया आज मैंने, एक दो दिन के बाद करवाऊंगा लिफ्ट। बंदा गया हुआ है आउट ऑफ टाउन, हफ्ते भर बाद आएगा तब होगा। चैनल टूटा हुआ है, चैनल ठीक करवाने जा रहा हूँ अभी मैं। सारे काम हो जाए ना तो बेहतर रहेगा। और भाई लोग कोई मेरे घर के आसपास से व्लॉग देख रहा है तो यार हमें गार्ड चाहिए, गार्ड करके अरेंजमेंट करवा दो भाई, बड़ी दिक्कत हो रही है, ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ मैं। हम लेने आए हैं यहाँ पे वेल्डिंग वाले भाई हैं, और हमारा चल के चैनल ठीक करेंगे, वो आज ही करा देता हूँ मैं सारे काम। ये बच्चा घूर रहा है बहुत देर से मुझे, और मेरी बाइक को भी, पुष्पा को। हाँ भी कौन सी है इसकी, ये तो लिफ्ट की चाबी है। चैनल खुलेगा, भाई आ गए चेक करने के लिए पाचे से। ये वाली निकल गई है इसकी, और नीचे से निकल गई है चैनल। गाइज आज तो हो नहीं पाया क्योंकि एक तो पैसे बहुत ज्यादा मांग रहा था, 1200 रुपए। खैर मैंने उसको कुछ निकाला है, तिगड़म बिठाई है, कल आएगा वो सुबह 10 बजे, तब होगा वेल्ड होगा या देखो जो भी चीजें होती हैं। बाकी तो मैं आ गया हूँ घर पे, और अम्मा हमारी कह रही है चाय बनाओ अपनी स्पेशल वाली, तो वही स्पेशल वाली चाय बनाने में जा रहा हूँ। आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे बनाता हूँ मैं स्पेशल चाय। 2 कप चाय बनाने के लिए, सॉरी 3 कप चाय बनाने के लिए 2 कप लो पानी और 1 कप डालो दूध उसके अंदर। मैं तो नापता नहीं हूँ क्योंकि मैं काफी साल से बना रहा हूँ चाय, तो मुझे इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई है, इतना अंदाजा हो ही गया है। थोड़ा सा फोन को घुमा के रखते हैं। अब हमें करना क्या है, ठंड का टाइम है तो डालते हैं इसमें अदरक। छीलने के बाद डायरेक्ट नहीं डालना है चाय के अंदर, इसमें डाल के इसे पीसना है, ठीक है ना। चाय में एकदम से अदरक नहीं डालना है। अभी देखो मैंने पानी और दूध रखा है, अभी ये हल्का सा बॉईल हो जाए पहले, मतलब कि भाप निकलने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि चाय जो है आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठंडा नहीं है दूध। जब हल्का सा गर्म हो जाएगा ना उसके बाद डालनी है पत्ती, हमारे यहाँ यूज होती है टाटा टी। तो टाटा टी के हम लेंगे 3 कप चाय में इतना इतना भर के, 2 चमचे डाल लो, 1 और 1 ये 2, और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से और डाल दो, ठीक है ना, बराबर करने के लिए। बाकी हमारी मदर जो है वो फीकी पीती है चाय, तो पहले फीकी चाय बनाएंगे, उसके बाद उनको देने के लिए निकाल के उसके बाद में इसमें शक्कर डालूंगा, फिर खौलाएंगे। तो अभी ये खौल आ रहा है इसमें हल्का हल्का, 2-3 खौल के या फिर 2 खौल के बाद आप इसमें डाल दो अदरक जो पिसा हुआ है। उससे क्या होगा, एक हल्की सी हिंट आ जाती है, जैसे अम्मा को दूंगा मैं चाहे वो डायबिटिक है, तो हल्की सी हिंट ही आनी चाहिए अदरक की, ज्यादा एकदम नहीं। अगर मैंने ज्यादा उबाल दिया अदरक डाल के तो क्या है कि फिर मिर्च मिर्च सी महसूस होगी चाय पीने में, उनको शक्कर वैसी नहीं होगी, फीकी होगी ऊपर से, ये और लगेगी, इसलिए ये है उसका रीजन। बीच बीच में चाय को थोड़ा घुमा लो। और आप लोगों को अगर कोई रेसिपी जाननी है, मालूम करनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो मुझे 2-3 तरह की मैगी आती है, सादी वाली मैगी हो गई, मसाला मैगी हो गई, बटर मैगी हो गई, और वेजिटेबल मैगी हो गई, ये 4 तरीके की मैगी आती है। चाउमीन आती है, मैक्रोनी आती है,
मैं अपने फ्री टाइम में मेरी हॉबी जो है ना वो है खाना पकाना, मतलब कि स्नैक्स वगैरह बहुत अच्छे बनाता हूँ मैं, जबरदस्त वाले, और भी चीजें सीख रहा हूँ मैं। तो अब चाय में खौलाना स्टार्ट हो गया है, तो इसको हम थोड़ा सा घुमा लेंगे। जैसे कि ये आई ऐसे करके गिर भी जाती है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके हल्के हल्के ये घुमा लो, फिर रख दो। अब इसमें हम डालेंगे अदरक। अब अदरक लगा हुआ रह गया इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, चाय को उसके लेके इसके अंदर पलट देता हूँ, गोल गोल घुमा के वापस चाय के अंदर, तो अपना बिल्कुल ये खाली हो जाता है, पत्ती थोड़ी लगी रह जाती है, कोई बात नहीं। हाथ के हाथ हम इसे खंगाल भी देंगे ताकि घर वालों को ये मौका ना मिले कहने का कि चीजें जहां से उठाते हो वहां रखते नहीं हो, तो हम इसे वापस खंगाल के धो के रख देंगे। हाँ, तो हमारी चाय में से आने लगी हल्की हल्की खुशबू। अब ये इतने थोड़ी सी और पके 15-20 सेकेंड, इतने में कप्स तैयार कर लेता हूँ। चाय तो सब बनाते हैं, कई तरह की बनती है सादी सादी, लेकिन अच्छी चाय जो बनती है ना उसका तरीका ये है, जल्दी बन जाती है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखो चाय इतनी हो गई है, पक गई है कि मैं निकाल दूं, तो एक कप मैं इसमें निकाल रहा हूँ फीकी चाय। फिर इसके अंदर अब हम डाल देंगे शकर। शकर डल के जो भाई मजा आने वाला है ना इसमें, अदरक क्योंकि इसमें पहले से पड़ा हुआ है और शकर के साथ और पक जाएगा, तो भाई चाय का टेस्ट हो जाएगा लजीज वाला। आज बिलाल का फोन आया कि भाई चल नहीं रहा है ब्लॉग शूट करने के लिए, कुछ फोटोग्राफी करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आज मत जाओ, आज काम वाम में मुझे थोड़े बिल्डिंग में भी, तो यही सब काम करवाते करवाते लेट हो गया। कैमरा हुआ ठीक, तो उसको ठीक होने में भी यार टाइम तो हर चीज को लगता है, चैनल ठीक करवाए नहीं, आज लेट हो गया था, अंधेरा होने वाला है, उसने कहा भाई कल ही करवाना। मैं कहा ठीक है चलो, तो फिर यही सब काम वाम करवा रहा हूँ आज मैं सुबह से। फ्राइडे था तो नमाज वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद आए खाना वाना खा के कैमरा वाला आ गया, 1-1.5 घंटा तो इसी में लगा, फिर चैनल वाला, फिर अब मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं पीते हैं। अब आप चाय का कलर देखो, देख रहे हो बिल्कुल होटल वाली चाय हो गई भाई, और इसको घुमा लो चाहो तो चमचे से चला लो ताकि शक्कर जो है ना अच्छे से इसमें पक जाए। अब हम चाय को निकालने का टाइम आ रहा है, खुशबू मैं आपको इसमें दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत सेट खुशबू आ रही है भाई। आपके सामने सब अंदाजे से रखा था, और देखो भाई 2 ही कप बनी हमारी मीठी और 1 कप फीकी। आपके भाई का अंदाजा है, ऐसे थोड़ा ना गलत हो जाएगा। पानी की लगती है प्यास और चाय की लगती है भाई चयास। किसी दिन मिलो घर पे, मेरे हाथ की भाई चाय पियो आप लोग। मेरे हाथ की चाय पीने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, दूर दूर से लोग आते हैं कि भाई अहमर के हाथ की चाय पियेंगे, दिल्ली से कजन वगैरह जो आते हैं मुझसे कहते हैं कि भाई तुम बनाओ चाय, एक नंबर टेस्ट। तो मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब फील नहीं करा सकता, लेकिन बता सकता हूं। हा, स्वाद आ गया। स्वाद बढ़ाने के लिए 2 तरीके और हैं, चाहो तो चाय के अंदर कॉफी डाल लो, मेरी बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन अगर आप एक सैशे कॉफी का डाल लो अपनी चाय में टेस्ट बढ़ जाएगा, और ज्यादा टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा मक्खन डाल दो, क्या लजीज चाय हो जाएगी। जो 25-30 रुपए की बिकती है ना बाहर, वो आपको घर में मिल जाएगी फ्री में। हम गाइस आए बड़े दिन के बाद चाय पीने, बिलाल और मैं लाइब्रेरी कैंटीन पे मस्त बैठे हैं। कितने दिन हो गए बिलाल हमें आए हुए? काफी टाइम हो गया, 15-20 दिन से ज्यादा हो गए, 1 महीना भर हो गया। हाँ आराम से हो गया होगा 1 महीना भर। भाई यहाँ की चाय इतनी मिस कर रहा था ना मैं, और ये कप में मजा ही आ गया आज पी के। और बिलाल साहब तो कुछ और भी साथ में सेवन कर रहे हैं। क्या गजब लग रही है हमारी बाइक पुष्पा, दिल खुश कर दिया तुमने तो आज मेरा। इसकी लाइट लाइट किधर से? हाँ ये रही ये रही ये रही ये अच्छा, बिल्कुल बंद कर दें तो। हाँ अरे गजब भाई, क्या लुक आ रहा है इसका, जबरदस्त वाला।
शायद वीडियो मैंने इतना दिख रहा हो, लेकिन सामने से तो भाई नेक्स्ट लेवल लग रही है ये, नेक्स्ट लेवल। तो गाइस दो रील्स मैं अभी एडिट करके जस्ट बैठा हूँ, बहुत जबरदस्त बाइक्स की है और एक हर्ष की Z900 की है, उसने जो एग्जॉस्ट लगवाए थे, जो उसने आवाज सुनाई थी Z900 की, भाई वो रील में मुझे आज मिल गई और मैंने वो बेहतरीन करके बनाई है और इंस्टाग्राम पे जाके चेक करो, अपलोड कर दी है भाई आपके लिए ऑलरेडी। और दूसरी चीज ये है, आप लोगों को आपके भाई का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। और भाई ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अपना ख्याल रखो सब लोग, तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी किसी की भी। तो चलो मिलता हूँ आपसे कल के व्लॉग में, क्योंकि 100 व्लॉग पूरे होने वाले हैं, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ तो किया जाए स्पेशल। वैसे भी हमारे घर में देहरादून से कुछ कजन्स वगैरह आ रहे हैं, शादी है थोड़ी घर के अंदर एक, तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं, सब मामले हुए हुए हैं। बाकी आप लोग वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब, और हाँ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलना। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस।